हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने जो अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं, और ये उनको उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है, उन्होंने छुए। वो कोई कोई गलत नहीं है। एक रेस वहां G7 की समिट थी, वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। इंडिया इस तरीके से लेता है कि वहां से टेरर आता है, वहां से आतंक आता है और वहां से नफरत। तो इन जनरल पब्लिक में कोई बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं पाकिस्तान के लिए। ये आप ये जो पिछले 10 साल से एक परसेप्शन और बनाए कि पैसा भी नहीं है पाकिस्तान के पास और डेवलपमेंट भी उतनी नहीं, हालांकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा डेवलप हुआ करता था। आज से 30 साल पहले मोबाइल फोन्स हमसे पहले यूज करने शुरू किए थे, 8 लेन हाईवे हमसे पहले थे, लेकिन पाकिस्तान की परसेप्शन चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ऊपर ही दिमाग नहीं लगाया। G7 के समिट में प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम लिया है, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर और जयशंकर साहब दोनों पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान का आज नाम लिया कहां जाता है? पूरे इंटरनेशनल फोरम पे वही लिया जाता है जहां इंडिया के कंटेक्स में बात हो रही हो, अदरवाइज पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली नाम नहीं लिया जाता। चाइना ने बोला कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। इंडिया की तरफ से शार्प रिएक्शन आया कि जो कंट्री हमारे कंट्री को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलता है, हमारी टेरिटरी को, उससे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, राइट? एंड चाइना इज वेरी टची अबाउट इंडिया नाउ। चाइना को पता है कि जो हमारे पास 125 करोड़ रुपए का ट्रेड है, 125 करोड़ डॉलर का ट्रेड है हमारे दोनों का, अगर उस ट्रेड से वो ट्रेड सरप्लस पाकिस्तान चाइना के फेवर में जा रहा है। इस साल कश्मीर 1 करोड़ 80 लाख लोग जा चुके, इस समय कश्मीर में और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए पापुआ न्यू गिनी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से अपनी आजादी ली थी। ऑस्ट्रेलिया उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी थोड़ा अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप क्या बोलूं, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है, और उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल इंडिया का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक इत्तेफाक नहीं था। ये पहले से हम लोग काफी टाइम से हमारी लुकीस्ट पॉलिसी थी, लुकीस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी, उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्टिस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी दो मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी अब, और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए, तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। अच्छा, इंडिया में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने जो अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं, और ये उनको उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है, उन्होंने छुए। वो कोई कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दिया, नो बिल्कुल डाउट। हमारे बिल्कुल यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो हम लोग भी मतलब हम हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में, जनरली मुस्लिम्स हैं, हमसे सीनियर हैं, हम उनके भी पैर छूते हैं। और मुस्लिम्स भी कुछ कुछ मुस्लिम्स तो मना कर देते हैं कि नहीं यार, आप तो अल्लाह के पैर छुओ, मेरे ना छुओ, लेकिन फिर भी मतलब बुरा नहीं माना जाता इसको, मतलब ये अच्छा माना जाता है हर जगह, और दे डेफिनेटली ऑल्सो नो डेफिनेटली सेम प्रॉब्लम। हम मूवीज देखते हैं इंडिया की, हम ड्रामे देखते हैं इंडिया के, तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, एक रिस्पेक्ट का गेस्चर होता है कि आप किसी बड़े के पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लिया जाता है। ये मैं जानता हूं इस चीज को, ये किसी का पांव छूने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है आई थिंक, तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहां पे रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है, कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहां पे आपको जोन सा है पांव छुए जाते हैं, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? राइट इंडिया में तो ऑफकोर्स इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से लिया गया है। और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहाँ, ये कोई नहीं जानता, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताबें एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ, और के प्राइम मिनिस्टर तो फेमस हो गए इंडिया में। इंडिया में क्या मतलब, पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हेडलाइन है ये के पैर छुए, तो ये तो दिखा है।
मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये नहीं हुआ होता तो। डेफिनेटली पापुआ न्यू भाई, गिनी में तो एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ये जो था ये जो उन्होंने पैर छुए इससे पहले वहां पे गए जापान में, वहां G7 की समिट थी, वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो यही नहीं, वो आए गले मिले और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई, ये देखते हुए कि इंडिया इस समय G7 के जितने भी कंट्रीज हैं सबके खिलाफ अपना व्यू रखे हुए। व्यू इंडिया का ये है, इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन और रशिया वॉर में, और बाकी सारे G7 कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और तब भी इंडिया का बड़ा अच्छा वो इंडिया का बड़ा अच्छा रिसेप्शन रहा और सबने इंडिया को, खासतौर से जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट वो वहां पे बिल्कुल मौजूद थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई उनकी, और मीटिंग में डेफिनेटली भी एक अच्छी बातचीत हुई, नो डाउट अबाउट इट। तो क्योंकि G7 यूरोप अमेरिका कनाडा ये सब मिल के एक बात क्लियर क्लैरिफाई कई बार कर चुके हैं कि अगर इस वॉर को कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ इंडिया खत्म कर सकता है और कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये बात इस बार जेलेंस्की तो वहां पहुंचे ही थे, जेलेंस्की ने बात की है, और बात क्या हुई है वी डोंट नो, रोहित भाई, जरूर कोई आज हम ये जो पहले नो डाउट आप भी प्रोग्राम करते हैं डेली बेस पे, आप करते हैं हम भी करते हैं, लेकिन मैं आज चाहता हूं आज कुछ हटके बातें की जाएं, आज कुछ सीखा जाए इंडिया वालों से, और कुछ बातें ऐसी की जाएं तो जो शायद पहले नहीं हुई। मुझे ये बताएं इस टाइम पे जो इंडिया के लोग हैं वो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या अगर पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर इंडिया की तरफ इस टाइम पे कोई पॉजिटिव गेस्चर देता है तो क्या ये समझा जाएगा कि इस टाइम मजबूरी है तो मजबूरी में जो उनसे है वो इंडिया वालों की तरफ हाथ किया जा रहा है, या फिर उसे पॉजिटिव लिया जाएगा? थोड़ा हट के क्वेश्चन देखिए, है लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की बात क्या है? पाकिस्तान में इंडिया के बारे में लोग उतना नहीं जानते जितना इंडिया में पाकिस्तान के बारे में लोग जानते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो इस डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है, और कुछ भी बोलता है। तो हमारे यहाँ जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो किताबें हैं, जो पढ़ाई गई हैं, उसमें हिस्ट्री हमें 5,000 साल पहले से पढ़ाई जानी शुरू होती है। हम 5,000 साल पहले की हिस्ट्री शुरू करते हैं और आज तक पढ़ते हैं। तो उसमें हमारा लाहौर एरिया, वो पूरा कांदहार एरिया, अफगानिस्तान तक की हिस्ट्री एज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो था इंडिया। अब जहां तक बात ये कि कौन सी सल्तनत आई, हम इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पाकिस्तान में हिंदुइज्म को नहीं जानते हैं लोग। ये समझने वाली बात है, इस्लाम इंडिया में इनहेरेंट है। हम मुझे पता है ईद क्या है, मुझे पता है ईद पे क्या होता है, हम अपने मुस्लिम भाइयों के घर जाते हैं, वो हमारे घर दिवाली पे आते हैं। फ्रिक्शंस वो हैं, नो डाउट हैं, लेकिन उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की प्रोजेक्ट की जाती है। हमारी सोसाइटी आज भी बड़ी इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, ठीक है। अब जहां तक बात, मुझे पता है कि बलूचिस्तान क्या है, बलूच क्या है, मुझे पता है पंजाब क्या है, पाकिस्तानी साइड पंजाब, मुझे पता है सिंध क्या है, और मुझे पता है कि खैबर पख्तूनख्वा क्या है। क्यों? क्योंकि खान अब्दुल गफार खान वो कांग्रेस के मेंबर थे और उनको लोग जानते हैं, हमने हिस्ट्री में उन्हें पढ़ा है। मुझे कोई चीज नई नहीं समझ में आती, और ये हिस्ट्री हमें 10th तक और 12th तक ही पढ़ा दी जाती है, उसके बाद ग्रेजुएशन में तो अलग चीज है। ठीक क्या है रोहित भाई, सवाल मेरा ये था कि आज जैसे पाकिस्तान मुश्किल में है, मुश्किल वक्त में है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, लेट्स सपोज कि अगर आज अभी ये स्टेटमेंट आती है कि हम चाहते हैं इंडिया इस मुश्किल वक्त में हमारी हेल्प करे, तो इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा ऑफिशियली, और पब्लिक की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा? मैं यही बता रहा कि इंडिया में जितनी अवेयरनेस है पाकिस्तान को लेके, उतनी अवेयरनेस पाकिस्तान को इंडिया को लेके पाकिस्तान में नहीं है। लोग नहीं जानते हैं कि हमारे पास स्टेट्स कितनी हैं, हमारे पास क्या है, ठीक है। तो इसलिए
अवेयरनेस कम होने की वजह से पाकिस्तान में इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है इंडिया के बारे में जानने के लिए। और फिर उसके बाद पहले दिन से बताया गया कि काफिर है, काफिर कल्चर है, आप उसे मत पहचानिए। इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान को इस तरीके से लेते हैं कि एक एक कंट्री है जो कि एक अलग कंट्री है, पहले हमारा ही था अब अलग कंट्री, ठीक है। इंडिया इस तरीके से लेता है कि वहां से टेरर आता है, वहां से आतंक आता है और वहां से नफरत। तो इन जनरल पब्लिक में कोई बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं पाकिस्तान के लिए। ये आप ये जो पिछले 10 साल से एक परसेप्शन और बनाए कि पैसा भी नहीं है पाकिस्तान के पास और डेवलपमेंट भी उतनी नहीं, हालांकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा डेवलप हुआ करता था। आज से 30 साल पहले मोबाइल फोन्स हमसे पहले यूज करने शुरू किए थे, 8 लेन हाईवे हमसे पहले थे, लेकिन पाकिस्तान की परसेप्शन चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ऊपर ही दिमाग नहीं लगाया। अब इस समय पाकिस्तान कोई हेल्प मांगता है इंडिया से, जी तो सो एक 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 ओपिनियन है। इस ओपिनियन में मतलब एक स्प्लिट राइट थ्रू द मिडिल, पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, एक स्प्लिट राइट थ्रू द मिडिल है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं क्योंकि अगर वो हमारे साथ पीसफुली एग्जिस्ट करना चाहता है तो हमें हेल्प करना चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें बिल्कुल हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो टेरर भेजता है। ये दो तरीके की स्प्लिट ओपिनियन। एक चीज कि हमारे यहाँ एक रिक्शा चलाने वाला, एक रेडी लगाने वाला भी बता सकता है कि पाकिस्तान में शहर कौन कौन से हैं, मतलब इतनी अवेयरनेस है पाकिस्तान के बारे में। और दूसरा कि हमारे जो सीनियर्स आए थे दिल्ली में या दूसरे कंट्री के, कौन सा कंट्री का कौन सा ऐसा शहर है जहां पे रेफ्यूजीज नहीं आए थे, और उन्होंने आके पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बताया है। हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी, रावियन, ओल्ड रावियन एसोसिएशन, अब तो ज्यादातर की डेथ हो चुकी लेकिन ओल्ड रावियन एसोसिएशन हुआ करती थी यहाँ पे, और वो यहाँ पर एक, और यहाँ पे बड़े बड़े ओहदों पे वो लोग बैठे गवर्नमेंट थे यहाँ गवर्नमेंट पे। कॉलेज यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो एक एसोसिएशन है ओल्ड रावियन। यस यस, यहाँ पे हुआ करती थी, और वो लोग आप उनकी ज्यादातर की तो डेथ हो चुकी है अब, लेकिन जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हम जानते थे कि ओल्ड रावियन एसोसिएशन है, उनकी उनका उनकी एक क्लब है और उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनकी पार्टीज होती हैं। वो लोग अच्छी पोजीशंस पे बैठे थे यहाँ पे। दिल्ली में जितने भी लोग रेफ्यूजीज आए थे आज की डेट में ज्यादातर के बाहर कारें खड़ी हैं, घर के बाहर कारें खड़ी हैं, बड़े बड़े घर हैं। उन्होंने इन लोगों ने मेहनत बहुत की, सब कुछ तो छोड़ के आ गए थे तो इन लोगों ने मेहनत बहुत की। तो इस समय एक 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 जैसे बोलते उन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया बताया पाकिस्तान के बारे में। तो एक एक तबका ऐसा है जो ये बोलता है कि हमें पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हम नेबर्स हैं, और दूसरा तबका यह कहता है कि नहीं करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट के एंगल से बात करते हैं, अगर पाकिस्तान हेल्प मांगेगा तो इंडियन गवर्नमेंट जरूर हेल्प करेगी। क्यों हेल्प करेगी? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस समय, आप टारगेट देखिए इंडिया का कहाँ है। क्या अभी हाल में G7 पे, G7 के समिट में प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम लिया है? अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर और जयशंकर साहब दोनों पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। पाकिस्तान का आज नाम लिया कहाँ जाता है? पूरे इंटरनेशनल फोरम पे वही लिया जाता है जहां इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही हो, अदरवाइज पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली नाम नहीं लिया जाता क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हम क्या कोई अचीवमेंट देखा नहीं है। और वो अचीवमेंट क्यों नहीं मिला? क्योंकि पाकिस्तान ने एक राह पकड़ ली। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर के अफगानिस्तान से निकाल रहा था, फिर उसके बाद पूरा का पूरा फोकस चला गया टेररिज्म पे और टेररिज्म से पैसा आना शुरू हो गया, फिर उसके बाद CPEC और क्या नहीं, और वो खत्म हो गई कहानी। पाकिस्तान, इंडिया ने जिस तरीके से डेवलपमेंट की कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए और अपने मैन पावर पे ध्यान दिया, पाकिस्तान अपनी मैन पावर पे उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाया। पाकिस्तान अपनी मैन पावर पे मदरसों पे ज्यादा डिपेंडेंट रहा, हालांकि मॉडर्न एजुकेशन है पाकिस्तान में, लेकिन उस मॉडर्न एजुकेशन का फायदा क्या? जो मॉडर्न एजुकेशन आपको टेक्नोलॉजी में ऊपर नहीं ले जा पा रही है, इसलिए ठीक प्रॉब्लम है। एक तरफ मौलवी जो कि मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ काम कर रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान इस्लामिसाइज हो रहा था, और इंडिया ने कभी भी अपने ऊपर किसी रिलीजन को हावी नहीं होने दिया। इसलिए नाउ कमिंग टू द पॉइंट, गवर्नमेंट ये चाहेगी कि हम पाकिस्तान के साथ बेटर रिलेशंस रखें क्योंकि इंडिया का टारगेट अब पाकिस्तान नहीं है, इंडिया का टारगेट अब ग्लोबल डायस्पोरा है।
इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, इंडिया उस तरीके से आज क्यों प्राइम मिनिस्टर पापुआ न्यू गिनी में है, छोटा सा कंट्री, उस कंट्री में की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, दिल्ली से भी कम पॉपुलेशन उसकी, लाहौर से कम पॉपुलेशन उस कंट्री की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां हैं क्योंकि हम उस रिम में, आप जो 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 पैसिफिक ओशन का एरिया है, उस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस एरिया में हमारे हमारी दोस्ती हो, वहां पे मेरीन समुद्र में मिनरल्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स, वनुआतू, किबराती, ऐसे ऐसे आइलैंड्स के पास भी मिनरल्स हैं, सोलोमन आइलैंड्स, दूसरी ऐसे चीज, डेफिनेटली जी रोहित ये भाई स्ट्रेटेजी, जी या आप ये कॉन्टिन्यू स्ट्रेटेजी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना से वॉर होती है तो इन दैट इवेंचुअलिटी अगर हमारा एक बेस है वहां पे पापुआ न्यू गिनी में, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। जी मुझे ये बताएं, जैसे इस टाइम पे चाइना ने इनकार किया, इसके अलावा सऊदीया ने इनकार किया G20 की मीटिंग में आने के लिए, कश्मीर में आने के लिए G20 के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया को कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? देखिए, हाँ, ये बात एक इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी। इस बार कश्मीर में जो टूरिज्म समिट हो रही है उसमें अनप्रेसिडेंटेड नंबर आ रहा है डेलीगेट्स का, इससे ज्यादा नंबर किसी भी उसमें आया नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल के 2 मेंबर्स, नाइजीरिया और इंडोनेशिया, ये दोनों आ रहे हैं। तीसरी चीज, सिंगापुर, यूएसए, यूके, ये जो G20 के मेंबर्स हैं, इनके चार चार पांच पांच पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, यूएन के भी आ रहे हैं। तो एक इसको इसको ये जो वर्किंग ग्रुप है, इसमें मीटिंग होगी वर्किंग ग्रुप की, और इसके बाद गोवा में मिनिस्टर लेवल मीटिंग होगी, उसका एजेंडा तय हो गया। मीटिंग का एजेंडा तय होगा वो तो डिसाइड हो ही जाएगा। 17, अगर फुल पार्टिसिपेशन किसी भी ग्रुप में नहीं हो पाती, 20 के ग्रुप में तो पॉसिबल नहीं है और होती भी नहीं है, किसी को लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम, किसी को, अगर इसमें 17 भी आ रहे हैं या 18 भी आ रहे हैं तो ये अचीवमेंट है और अच्छा अचीवमेंट है। दूसरी चीज, हम जितने भी डेलीगेट्स हैं उनको श्रीनगर दिखाएंगे, डल लेक दिखाएंगे, उनको कश्मीर दिखाएंगे, इसी के साथ साथ कश्मीर इस समय स्पॉटलाइट में भी है, थैंकफुल टू पाकिस्तान जिसने इतना हंगामा मचा दिया कि ये कश्मीर की समिट, पिछली वाली जो यूथ की समिट थी उसमें, ये अभी 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 3 4 दिन पहले, 4 5 दिन पहले हुई है, उसमें टर्की था, जी इसमें नहीं आया। अब ये कश्मीर का इतना हंगामा मचाया, ओआईसी को बोला हमें पब्लिसिटी पाकिस्तान में दी, इसके साथ साथ ये पब्लिसिटी आई, इंटरनेशनल मीडिया वहां पहुंच गया है, वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कश्मीर कितना डेवलप है, वो दिखा रहे हैं कि हमारी साइड ऑफ कश्मीर में क्या है, ये खबरें परकुलेट कर रही है पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर, तो वहां पे भी पता चल रहा है कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में क्या आया। ये इंडिया का प्रोपोगेंडा, इंडिया जो चाहता था कि दुनिया को पता चले कि हमारे साइड ऑफ कश्मीर में कितना डेवलपमेंट है, उसको पाकिस्तान ने पब्लिसिटी दी, पॉपुलैरिटी दी। अगर इसे नहीं रोकता, इवन इतने जर्नलिस्ट गोवा नहीं पहुंचे थे जितने इस समय कश्मीर में, इतने जर्नलिस्ट दिल्ली में नहीं थे, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जितने इस समय कश्मीर में, जो जब जब इसकी G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, तो ये समझिए इंटरनेशनल लाइमलाइट में है। आप ट्विटर भरा पड़ा है ट्रेंड से, आप फोटोग्राफ्स देखिए क्या डेवलपमेंट है और क्या सड़कें चमचमा रही हैं इस समय श्रीनगर की। मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख रहा था ये कि कश्मीर इंडियन साइड कितना बढ़िया डेवलप कर गया है, और यहां तक कि अलजजीरा या बोले तो दूसरे अल अरेबिया टाइप, इनकी रिपोर्ट्स भी इंडिया के इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के लिए गलत नहीं है, इसमें बहुत अच्छे डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं। अब आप देखिए कि जो दो कंट्रीज नहीं आ रहे, चाइना ने बोला कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, इंडिया की तरफ से चाइना ने बोला कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे, इंडिया की तरफ से शार्प रिएक्शन आया कि जो कंट्री हमारे कंट्री को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलता है, हमारी टेरिटरी को, उससे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, राइट? एंड चाइना इज वेरी टची अबाउट इंडिया नाउ। चाइना को पता है कि जो हमारे पास 125 करोड़ रुपए का ट्रेड है, या 125 करोड़ डॉलर का ट्रेड है हमारे दोनों का, अगर उस ट्रेड से वो ट्रेड सरप्लस पाकिस्तान चाइना के फेवर में जा रहा है, और चाइना को उस डॉलर की इस समय जरूरत है जो ट्रेड हमसे आ रहा है, क्योंकि चाइना को की इकोनॉमी इस समय खतरे में, प्रॉब्लम में है, तो
चाइना के लिए वो डॉलर्स बहुत जरूरी है। तो चाइना सॉफ्ट हो रहा है इंडिया के लिए समय। दूसरी चीज, टर्की ने ये बोला कि वी आर नॉट हैप्पी विद द वे इंडिया इज डीलिंग विद कश्मीर। जहां तक बात है टर्की की, टर्की को हम पहले भी बता चुके हैं, अभी हाल में हम लोग एक्सरसाइज करके आए हैं ग्रीस के साथ, हमारी एक्सरसाइज हुई है और हम लोग ग्रीस से बेटर रिलेशंस कर रहे हैं। हम टर्की को कई बार बता चुके हैं कि ज्यादा अगर तुम करोगे कश्मीर कश्मीर तो हम भी साइप्रस बोलेंगे, याद रखना। एंड देन वहां पे कर्ड्स के साथ क्या हो रहा है, कुर्दों के साथ उसके अपने कंट्री में, हमें पता है, हम उस इशू को भी उठा सकते हैं। तो टर्की को भी समझ में आएगा, जल्दी आ जाएगा कि इंडिया क्या कर सकता है। जितने भी डेलीगेट्स हैं, अब ये दो चीजें, तो कुछ तीन चार चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक रोहित भाई सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, क्योंकि सवाल बहुत अहम मेरे माइंड में आया है कि क्या वजह है कश्मीर में, मतलब एक साइड पे आप खुद ये कहते नजर आते हैं, देखें ये पाकिस्तानी पब्लिक का क्वेश्चन है और मेरे माइंड में भी आया है, मैं चाहता तो अच्छे अच्छे सवाल, बड़े मीठे मीठे सवाल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जो बात माइंड में आए वो मैं आपसे पूछूं, ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। एक साइड पे आप कहते हैं सऊदीया के इंडिया के साथ रिलेशन बहुत बेहतर है, एक साइड पे तुर्की में जो अर्थक्वेक आया उसमें आप गए, हेल्प की और रिलेशन बेहतर हुए, उन्होंने थैंक्स बोला बहुत बेहतर तरीके से, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया आपकी हेल्प को, तो फिर दूसरी साइड पे यही कंट्री जब नहीं आते कश्मीर में या फिर स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है इंडिया कर रहा है वो बेहतर नहीं कर रहा, क्या वजह है, मतलब क्या वाकई वहां पे कुछ हो रहा है, एक तो ये बात, दूसरे नंबर पे अगर नहीं हो रहा तो फिर सोदिया जो कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है तो वो ऐसी स्टेटमेंट क्यों देगा, तुर्की अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है तो वो ऐसी स्टेटमेंट क्यों देगा, मतलब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, आप ये क्लियर करेंगे? क्वेश्चंस एक जर्नलिस्ट को कड़वे ही पूछने चाहिए, मीठे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ये जर्नलिस्ट का काम होता है। बिल्कुल, लेकिन अब वो जहां तक पब्लिक, बात, लेकिन पब्लिक को मतलब वो इन चीजों का थोड़ा सा वो नहीं शायद आइडिया होता तो पब्लिक माइंड करती है, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन फिर भी जो मेरे माइंड में आता है मैं बोलता हूँ, जो दिल करता है वो मैं पूछता हूँ। हमेशा जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना,